नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम फिर चर्चा करेंगे कोविड-19 के बारे में और हमारे साथ है प्रोफेसर सत्यजीत राय। सत्यजीत, अभी अगर आंकड़ों को देखें तो लगता है कि इस वक्त हमारे संख्या कम हो रहे हैं कुछ हद तक। पहले की जो रफ्तार थी बढ़ने की, वो तो एक प्लेटो हो गया था, इसके बाद नीचे आ रहे धीरे धीरे। पर अभी भी कुछ प्रदेशों में, कुछ प्रांतों में संख्या काफी ऊपर है और रफ्तार इतना घटा नहीं है। तो इसके बारे में क्या लगता है कि अभी भी ये तस्वीर जो है ये दिखा रहा है कि कुछ हद तक लॉकडाउन वगैरह की वजह से कम हुआ है और धीरे धीरे शायद ये और एक महीना, 20 दिन, 4 हफ्ता, 6 हफ्ता इसमें खत्म होने की संभावना रखता है, कि ये वर्तमान जो हाई नंबर से ये खत्म होने की संभावना रखता है? जी प्रवीर, जैसा कि हम लोग कह रहे हैं लगातार, ये कोई एक सुसंगतिपूर्ण लहर नहीं है, ये जगह जगह के, इलाके इलाके के, मोहल्ले मोहल्ले के विस्फोट है। और इनमें हुआ ये है कि जैसे आप आंकड़े देखेंगे तो देख जाएंगे कि पश्चिमी भारत के राज्यों में शुरुआत पहले हुई थी, खास करके मुंबई पुणे के नागरी इलाके में शुरुआत बहुत पहले पहले हुई थी। और जो आंकड़ों में कमी आ रही है वो वहां पे सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। यहां तक के महाराष्ट्र के आंकड़े देखे तो अपन ये देख सकते हैं कि इन मुंबई पुणे वाले नागरी इलाकों में आंकड़े बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन कई जनपद, कई जिले ऐसे हैं, खास करके मराठवाड़ा में, दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र में, जहां जिलों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो ये अलग अलग विस्फोट है, लेकिन आबादी के आंकड़े भी तो अलग हैं। तो अब यूं देखें कि छोटे राज्यों में जैसे कि मिजोरम में आंकड़े तेजी से लगातार बढ़े जा रहे हैं, इसके बावजूद कि जांचों का आंकड़ा कम हो रहा है, मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन कुल मिला के मरीजों के आंकड़े छोटे हैं। तो इन सब का एकत्रीकरण करके एक राष्ट्रीय आंकड़ा दिखाई देता है। तो उसमें अब ये दिखाई दे रहा है कि पूर्वी भारत और कुछ हद तक दक्षिणी भारत के राज्यों में अभी तक रफ्तार में कमी उतनी नहीं है जितनी पश्चिमी भारत के कुछ राज्यों में है, कुछ इलाकों में है, कहना चाहिए राज्यों, ना कि राज्यों में। तो मुझे लगता है कि अब क्या तालाबंदी का असर हुआ? जरूर हुआ है। अब जब जनजीवन इतना तितर बितर हो गया तो शारीरिक दूरीकरण तो हुआ ही है जैसे भी हो, और चूंकि शारीरिक दूरीकरण हुआ है तो फैलाव की रफ्तार कम हुई है। तो मुझे लगता है कि आते 1-2 हफ्ते, महीने भर में राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़ों का रुख यही रहेगा कि धीरे धीरे थोड़े कमोबेश कमोबेश चित्र दिखाकर, लेकिन आंकड़े कम होते जाएंगे। अगर हम अपने जो शारीरिक दूरी बरकरार रखे, मास्क पहनने, और धीरे धीरे वैक्सीनेशन की संख्या अगर बढ़े, जो अभी तक नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि वैक्सीन की सप्लाई अभी भी बहुत कम है, पर अगर ये सब हो तो धीरे धीरे संख्या घटती रहेगी। आपने इसका जिक्र किया कि कुछ मिजोरम का आपने उदाहरण दिया कि टेस्ट कम हो रहे हैं, पर ये टेस्ट कर्नाटक में भी कम हो रहे हैं, तेलंगाना तो टेस्ट के बारे में पता भी नहीं चलता है, लोग उसको मानते भी नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो आरटीपीसीआर के जगह दूसरे टेस्ट में ज्यादा विश्वास करते हैं। तो ये टेस्ट की संख्या, जब एक्चुअल मरीजों का संख्या बढ़ता है तो टेस्ट क्यों कम होता है, ये एक मिस्ट्री है। अगर आप इसको उस तरह से देखें
नहीं तो ये कहना पड़ेगा कि टेस्ट इसीलिए कम होता है क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास इतने मरीज हैं नहीं, तो एक छुपाने के भी एक रहस्य इसमें हो सकता है, पर अदरवाइज ये समझने वाली बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। और जांचों को लेकर दो अलग अलग मुद्दे सामने आते हैं। एक तो ये है कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट की जांच है, जो उतनी परिणामदेह जवाबदेह नहीं है जितनी आरटीपीसीआर की जांच है, तो रैपिड एंटीजन टेस्ट की जांचें काफी बड़े पैमाने पर अब भी की जा रही हैं। उसमें भी जो व्यवस्था है वो ये है कि अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आ जाए तो आरटीपीसीआर टेस्ट कराना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये हर जगह उतनी बारीकी से सचमुच किया जा रहा है। और सिवा उसके आपने जिस बात का जिक्र किया वो तो है ही कि जांचों के आंकड़े कम हो रहे हैं कई राज्यों में, जैसे कर्नाटक में कुछ हद तक ऐसा दिखाई देता है, जैसे गुजरात में है, जैसे राजस्थान में है, जैसे उत्तराखंड में है, और जैसे कि मैंने कहा मिजोरम में है, चूंकि आंकड़े छोटे हैं। तो ये सब अब कैसे किस तरीके से समझें? या तो जो उदासी प्रशासनिक बात आपने कही कि थोड़ा बहुत छुपाने की कोशिश में जांचों के आंकड़े कम करे जा रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो बड़े दुख की बात है। और उससे असर ये है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं बीमारी का फैलाव क्या है, कितना है और उसका रुख क्या है। और अगर ये नहीं समझ पाएंगे तो हमारी डिसीजन मेकिंग भी गलत हो सकता है। कर्नाटक के बारे में आपने खास जिक्र किया, तो उसमें ये भी देखने वाली बात है कि जब से जब जब टेस्ट घटे हैं तब तब उनकी पॉजिटिविटी रेट भी ऊपर गया है, तो वो भी और एक संकेत है कि आप टेस्ट कम कर रहे हैं। हालांकि ये भी सही है कि जब बहुत रफ्तार से फैलता है तब जो है पॉजिटिविटी रेट, चाहे आप टेस्ट भी बढ़ाएं तो भी बढ़ता है, पर जब अब टेस्ट घटाते हैं तब पॉजिटिविटी रेट बढ़ना ये दिखाता है कि ये वक्त नहीं है टेस्ट की कम करने। जी बिल्कुल, ये तो एक अलग बात रही, पर ये सब मिला के अभी भी ये है कि कुछ राज्यों में, कुछ राज्यों में सिर्फ नहीं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी अब स्थिति नाजुक है। और ये हमें अभी भी जिसको नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस कहते हैं, जैसे लॉकडाउन है, मास्क पहनना, ये भी अभी भी बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है कि एक लंबे अरसे के लिए, जब तक संख्या सचमुच काफ़ी कम ना हो जाए तब तक ये हमारी सावधानी बरतनी पड़ेगी, ये हमें लगता है। इसमें ये भी सही है कि जहाँ पर सिनेमा हॉल्स है, जहाँ पर लोग काफ़ी इकट्ठा मिल सकते हैं, ऐसे इवेंट्स, शादी ब्याह वगैरह से लेके पब्लिक मीटिंग्स हॉल्स में खास तौर पे, ये सब हमें अभी भी काफ़ी दिन तक बरतनी पड़ेगी जब तक ये आंकड़े सचमुच नीचे ना आ जाए। और हो सकता है ये लोकल डिसीशंस हो सकता है, पर ये अभी भी हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी। सही कहा प्रवीर आपने। मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा, वो ये है कि अपन अभी तक जो बातें कर रहे हैं, विकेंद्रित दृष्टिकोण से बातें कर रहे हैं, वो राज्यों की कर रहे हैं। वो इसलिए कि हमारे पास जो आंकड़े मौजूद हैं, जो आसानी से सामने आते हैं, वो राज्यों के बारे में है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो असमतोल है वो नागरी और ग्रामीण जनपदों में, जिलों के दरमियान है। और ग्रामीण जिलों का जो हाल है कोविड की महामारी को लेकर, वो इन आंकड़ों से सामने नहीं आता। ना ही हम जांचों के आंकड़े जनपद के स्तर पर, जिलों के स्तर पर जानते हैं, ना मरीजों के आंकड़े जानते हैं, ना मृतकों के आंकड़े जानते हैं। और सबसे ज्यादा चिंता की बात वो है क्योंकि ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण जिलों में कोविड की महामारी अब बड़े पैमाने में फैली है, और वहां पे स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, जांचों की कमी है, प्रशासनिक उपायों की कमी है, और
इसलिए कि सरकारी स्तर पर समाज को साथ लेकर चलने के लिए कोई उपाय नहीं बनाए गए, इसलिए सामाजिक दृष्टिकोण का भी अभाव है वहां पे शारीरिक दूरीकरण को लेकर। तो इन सब मुद्दों के आधार पर अपन ने यह चिंता भूलनी नहीं चाहिए कि ग्रामीण जिलों के बारे में हमारी जानकारी बहुत कम है। अब ये भी सही है कि ग्रामीण इलाकों में अस्पताल की सुविधाएं, लोकल जो हेल्थ सिस्टम है उनकी सुविधाएं बहुत दशकों से कम किया जा रहा है, जबकि ज़रूरत उसको बढ़ाने की थी। और धीरे धीरे जो आप पहले भी जिक्र कर चुके हैं, हमारे यहाँ जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ हेल्थ सिस्टम, प्राइवेट पूंजीवादी तरीके से हेल्थ सिस्टम को चलाना, इसमें भी इन सब पे काफ़ी प्रहार हुआ है। तीसरी बात है कि आशा वर्कर्स, जिनको हम अब फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर बना दिए हैं कि उनके वही सब कुछ करेंगे, ये एक प्रहसन है, क्योंकि उनको पैसा बहुत कम देते हैं और काम सबसे ज़्यादा लेना चाहते हैं। ये सब लेके हेल्थ सिस्टम हमारी गांव की बहुत खराब हालत में है, और COVID-19 महामारी उसको और भी बहुत गहरा संकट में डाल दिया है, जिसका तस्वीर उत्तर प्रदेश, जहाँ पर ये सब बोलना मना है, तो ये वहाँ से साफ दिखाई पड़ता है, जब देखते हैं लोगों को किस तरह डेड बॉडीज को वहाँ पर क्रिमेटोरियम में ले जाने की भी लोगों के पास पैसे नहीं है, जगह नहीं है वहाँ पर, और उनको गंगा के तट पर दफना दिए जा रहे हैं, ये तो गंगा नदी में बहा दिए जा रहे हैं। मैंने जो कहा, ये सब तस्वीर दिखाना भी इस वक्त ये एंटी इंडियन नेगेटिविटी फैलाने की बातें इसमें आती है, और यूपी में खास तौर से तो FIR भी दर्ज होती है इसमें। सचित, इससे और एक चीज आपको मैं ले जाना चाहता हूँ। ये बहुत दिन आप हमारे जब चर्चा होती है आप मुझे भी टोकते हैं कि ब्रिटिश वेरिएंट, यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीका वेरिएंट वायरस की, इसके जगह पर जो एक बड़े बड़े B.1.617.1 इस तरह से नाम दिया जाना चाहिए, तो ये भी एक अजीब है। अब तक इसके हमारे अखबार में, सरकार में इसके बारे में कोई चिंता नहीं थी, पर अब क्योंकि लोग इंडियन वेरिएंट कहने लग गए हैं, विदेश में हमारे यहाँ भी कुछ लोग इसको शॉर्ट हैंड में कहते हैं, तो इसको लेके अब सरकार की बड़ी चिंता हुई है कि इस पे FIR भी कमलनाथ के ऊपर दर्ज हो गया। तो आप एक हिसाब से तो आप पहले हमें काफ़ी सतर्क कर दिए थे कि ऐसे भाषा इस्तेमाल करना गलत नहीं है, पर टेलीविजन में, ये तो अखबारों में, अब तक दूसरे प्रांत देशों में जब इसके इस्तेमाल हो रहा था तब कोई चिंता नहीं थी, अब हमारे ऊपर जब आ गई है तो हमारी बहुत चिंता हो गई। प्रबीर, सिर्फ अखबारों का, सिर्फ माध्यमों का मसला नहीं है। जिस सरकार को बहुत जायज चिंता है कि इंडियन वेरिएंट ना कहा जाए, बिल्कुल सही है सरकार का कहना कि बिल्कुल ऐसा कहना नहीं चाहिए, उसे B.1.617 या जो कुछ है उस नाम से पहचाना जाना चाहिए, ना कि भौगोलिक या राष्ट्रीय नाम से। लेकिन मुझे बड़ा अचरज होता है, अचरज ये होता है कि बस बिल्कुल इसी सरकार की जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, अधिकृत प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, उसमें पिछले कई महीनों से यूके वेरिएंट का जिक्र हुआ है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट का जिक्र हुआ है, ब्राजीलियन वेरिएंट का जिक्र हुआ है। फिर मुझे लगता है कि सरकार के लिए सिर्फ इन B.1.617 को इंडियन वेरिएंट कहना ठीक नहीं है, लेकिन बाकी वेरिएंट्स के लिए ये सरकार ऐसा नहीं सोचती शायद। कुछ सरकार इस मसले में स्पष्टीकरण दे तो हम थोड़ी और चैन की नींद सोएं भैया। नहीं तो कहा जाएगा हिपोक्रेसी है। ऐसा है, याद आता है कि महाभारत के जंग के दौरान
कर्ण अर्जुन का युद्ध हो रहा था और कर्ण के रथ का पहिया दलदल में फंस गया, तो उन्होंने कहा कि तुम थोड़ा रुको, मैं पहिया निकालता हूं। तो कृष्ण ने कहा कि यार तू क्या देख रहा है, चला तीर। तो कर्ण ने कहा कि यह अधर्म है। तो श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत सारा उनका अधर्म याद दिलाया पिछला, और ये कहा कि बेटवा तब तेरा अधर्म कहां गया था। अब महाभारत आप कोट कर रहे हो, आप बोला जाएगा डेविल कोटिंग द स्क्रिप्चर्स, ठीक है पर एक आखिरी सवाल आपको पूछना चाहेंगे कि ये जो म्यूकोरमाइकोसिस की जो इतनी रफ्तार से बढ़ी है और ख़ास तौर से कुछ प्रांतों में इसको एपिडेमिक घोषित कर दिया गया है, ये एक अजीबोगरीब बीमारी है, इसके नाम हमने पहले कभी सुना नहीं और एपिडेमिक बन गया, तो इसके पीछे क्या वजह क्या है कि सडनली किसी और देश पे हम म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में चर्चा नहीं सुने, हमारे यहाँ एक क्यों कोविड 19 के बाद म्यूकोरमाइकोसिस इस तरह से दिख रहा है? तो तीन चार बातें हैं इसको लेकर प्रवीण। पहली बात तो ये है कि म्यूकोरमाइकोसिस खास करके जो नाक और गले के आसपास के साइनसिस हैं उसमें म्यूकोर फंगस का बढ़ना और वहाँ पे शोथ होना और फिर आंखों पर या भेजे पर भी असर होना, ये वैसी जानी पहचानी बीमारी है, बड़े पैमाने पर दिखाई नहीं देती लेकिन जानी पहचानी है, उसके बारे में शोध निबंध है। इस सवाल के लिए कि कोविड के दौरान हिंदुस्तान में ही क्यों दिखाई दे रही है और जगहों से क्यों नहीं सुनने में आई, तो एक बात हमने याद रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इस तरह की सेकेंडरी इन्फेक्शन को थोड़ी बढ़त देते हैं। तो उसमें एक मुद्दा ये है कि हिंदुस्तान में काफ़ी बड़े पैमाने पर डायबिटीज़ की एक टेंडेंसी है और डायबिटीज़ के रुग्णों के लिए भी, मरीजों के लिए फंगल इन्फेक्शंस का होना एक खतरा है। दूसरी बात यह है कि भारत में बहुत बड़े पैमाने पर आसानी से जो बड़ी एक तरह से कड़ी दवाइयां हैं जैसे कि स्टेरॉइड्स हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हैं, इनका प्रयोग होता है, डॉक्टरों से भी होता है, बगैर डॉक्टरों के भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ जिसे ओवर द काउंटर कहते हैं उस तरीके से होता है, डॉक्टरों से भी होता है। और जब बड़े पैमाने पर एंटीबायोटिक्स का प्रयोग होता है तो वहां पे जो बैक्टीरिया होते हैं शरीर में हर जगह, उनमें बड़े पैमाने पर मौत होती है, तो वहां पे थोड़ी थोड़ी जगह बन जाती है फंगस को बढ़ने के लिए। ये और एक कारण है म्यूकोरमाइकोसिस के होने का। तीसरी बात यह है कि कोविड में बहुत बड़े पैमाने पर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है, और चूंकि स्टेरॉइड शोथ को कम करती हैं, स्टेरॉइड शरीर की प्रतिकार क्षमता को थोड़ा थोड़ा दबा के रखती हैं, तो म्यूकोर जैसे फंगल इन्फेक्शंस जो बड़े सौम्य इन्फेक्शंस हैं, बड़े शक्तिशाली इन्फेक्शंस नहीं हैं, लेकिन जैसे प्रतिकार क्षमता कम हो जाए वैसे उनके पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। और आखिरी बात यह है कि बड़े पैमाने पर कोविड में हम बहुत जोर से ऑक्सीजन नाक में डाल के दे रहे हैं, वो भी मेडिकल ऑक्सीजन नहीं दे रहे क्योंकि मिल नहीं रहा आसानी से, तो कई जगह इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन दे रहे हैं, ऑक्सीजन पानी में से बुलबुला के देना पड़ता है क्योंकि उसमें थोड़ी नमी आनी चाहिए हम सांस में जब दें तब, तो जो जैसा पानी मिले जहां मिले लगा लो और दे दो, ये होता है। तो उन सारी कारणों की वजह से भी हो सकता है कि म्यूकोर की बढ़त तो भारत में, हद तक हमारी हेल्थ सिस्टम की भी कमजोरी है
कि म्यूकर माइकोसिस इतने बड़े पैमाने पे पोस्ट कोविड 19 हमें देखने को मिल रहा है। और ये भी है कि बहुत बाद में डॉक्टर गुलेरिया ने, जो हमारे वो कोर कमिटी वगैरह में हैं, उन्होंने इस चीज़ को टेलीविज़न में कहा कि इतना बड़े लंबे पैमाने लंबे समय तक स्टेरॉइड्स नहीं देना चाहिए एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पर इसके बारे में ICMR की जो गाइडलाइंस है वो अभी भी बहुत कमज़ोर है, अभी भी ऐसे दवाइयों को वो प्रिस्क्राइब कर रहा है देने के लिए, आइवरमेक्टिन जैसे, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसे। तो अभी भी इस तरह से एक रिलायबल क्या मेडिकल ट्रीटमेंट होनी चाहिए इसकी कमी नज़र आ रहा है। इसके वजह से भी अलग अलग कॉकटेल्स ऑफ दवाइयाँ जो है उसको दी जा रही है। म्यूकर माइकोसिस उसमें से भी एक गलत नतीजा ये निकल के आ रहा है। जी, मैं सिर्फ इस मसले में सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, डॉक्टरों की, खास करके विशेषज्ञ डॉक्टरों की जो एसोसिएशंस हैं, जो संगठनाएं हैं, उन्होंने भी इस तरीके के बड़े तफसील से कि यूं मरीज हो, सौम्य लक्षणों के मरीज हो, ऐसे लक्षणों के मरीज हो, वैसे लक्षणों के कोविड मरीज हो, तो हरेक लक्षणों के गुट के लिए कोविड के मरीजों में क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसका एक तफसील में विवेचन या ब्यौरा जिसे बार बार नवीकरण किया जाए, जिसका ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई अभी तक जो दूर दूर तक फैली है। हालांकि काफी डॉक्टरों के गुटों ने अच्छे अच्छे ऐसे एफर्ट्स किए हुए हैं, जतन किए हुए हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर सब लोग जिसे देख सकें, सब लोग जिसे मान के चल सकें, ऐसी कोई ठीक ठाक व्यवस्था अभी तक दिखाई नहीं दे रही जहां तक मेरी जानकारी। हाँ, वो एक कमी रही है कि एक अथॉरिटेटिव क्या विचार होनी चाहिए, कैसे दवाई कब दी जाए, उसका नहीं है। अलग अलग जगह पे अलग अलग राय लेके चल रहे हैं। दिल्ली शहर में भी हम देखे हैं कि जिस तरह से दवाइयाँ दी जा रही है उसमें बहुत फर्क है और बहुत एग्रेसिव है, जो आप चर्चा कर चुके हैं, और उसके वजह से भी ये चीज़ों की संभावना बढ़ती है। सत्यजीत, हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद, और इस चर्चा अभी भी लगता है हमें चलानी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह की ऐसी कोई रोशनी नहीं मिल रही है कि तुरंत से खत्म होने वाला है और खत्म होने के बाद गायब हो जाएगा, ये ऐसा नजर नहीं आ रहा है। हमें लगता है इसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, और इसके साथ साथ अगले चरण में हमें वैक्सीन के बारे में ज्यादा चर्चा करनी पड़ेगी, और वैक्सीन कैसे मिले इसके बारे में भी हमें डिस्कशन चलानी पड़ेगी। धन्यवाद सतीश हमारे साथ होने के लिए। आज इतना ही। न्यूज क्लिक में हमारी शोज देखते रहिएगा और हमारे वेबसाइट पर भी आइएगा।